नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं बैर। बैर को इंग्लिश में इंडियन पम्प के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे हॉस्पिटल में से बहुत से पेशेंट आते हैं और बताते हैं कि सर, सीजन के हिसाब से बैर उपलब्ध होती है, क्या मैं उसको डायबिटीज में खा सकता हूँ? तो दोस्तों, हमारे पास एक पेशेंट बैठे हुए हैं, उनका मैं फास्टिंग पहले जांच करवाता हूँ कि शुगर कितना है, और बैर खिलाने के 2 घंटे के बाद जांच करवाता हूँ कि बैर खाने के बाद शुगर बॉडी में कितना बढ़ता है या घटता है। दोस्तों, बैर का जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 4.4 होता है। अब 100 ग्राम बैर का जो है ग्लाइसेमिक लोड 4.4 है, तो पेशेंट का खाली पेटे शुगर देखते हैं कितना है, उसके बाद जांच करवाते हैं, जो रिपोर्ट आता है फिर आगे बताते हैं। माता जी, आपका जांच हुआ है? जी। क्या नाम है आपका? चंद्रलेखा गुप्ता। अच्छा, चंद्रलेखा गुप्ता। देखिए, हमारे पास एक माता जी बैठी हुई हैं, चंद्रलेखा गुप्ता जी। उम्र कितना है माता जी आपका? 67 साल उम्र है माता जी का, और इन्होंने फास्टिंग शुगर जांच करवाया तो फास्टिंग शुगर इनका 164 है। दोस्तों, फास्टिंग इनका 164 है, और मैं इनको 100 ग्राम बैर, देखिए ये बैर है, इसको इंडियन पम्पकिन भी नाम से जाना जाता है, मैं माता जी को 100 ग्राम बैर खिला रहा हूँ, और उसके बाद 2 घंटे के बाद देख रहा हूँ कि बॉडी के अंदर इनका शुगर बढ़ रहा है या घट रहा है। वैसे तो जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड 50 से नीचे रहेगा उसको खाने से बॉडी में शुगर की मात्रा कम बढ़ती है। तो दोस्तों, माता जी को मैं 100 ग्राम बैर खिला रहा हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि इनके बॉडी में शुगर की मात्रा कितनी बढ़ रही है। लीजिए माता जी, खाइए इसको। दोस्तों, हमने 2 घंटा पहले हमारे बगल में जो माता जी बैठी हैं, इन्होंने अपना फास्टिंग शुगर जब जांच करवाया था तो 164 था, और हमने इनको 100 ग्राम जो है बैर खिलाया। अब इनका देखते हैं कि शुगर 2 घंटे के बाद कितना रिपोर्ट आता है। माता जी, रिपोर्ट दीजिए तो अपना। दोस्तों, हमने लैब से जांच करवाया है इनका ये रिपोर्ट, और 2 घंटा पहले तो शुगर इनका 164 था, और 100 ग्राम बैर खाने के बाद इनका शुगर जो है 168 आया हुआ है, यानी 4 पॉइंट ही सिर्फ बढ़ा हुआ है। हमने अभी बताया था कि जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड अगर 50 से ऊपर होगा तो शुगर में अगर आप खाएंगे तो उस हिसाब से शुगर बढ़ेगा, और जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड 50 से नीचे होगा उसे आप खाएंगे तो शुगर 2-4-10 पॉइंट बढ़ सकता है, लेकिन वो 10-15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे बाद नॉर्मल हो सकता है। इसलिए आप डायबिटीज में जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड 50 से नीचे है आप उसे सेवन कर सकते हैं लिमिट में। दोस्तों, जैसे माता जी ने 100 ग्राम बैर का यूज किया और मात्र 4 पॉइंट ही शुगर बढ़ा, 164 था 168 हुआ, तो कोई अधिक नहीं है। अगर आप बैर खाना चाहते हैं डायबिटीज में तो आप आराम से 100-150 ग्राम बैर का यूज कर सकते हैं। सीजन के हिसाब से जो भी फल आता है, हर फल पर मैं एक एक वीडियो आपको बना करके भेज रहा हूँ, आप उसको देखिए और सीजन के हिसाब से फल का यूज करिए। डायबिटीज में कोई भी फल यूज कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज जब कंट्रोल लेता हो, अगर अनकंट्रोल आपका डायबिटीज है तो पहले शुगर को कंट्रोल करिए, उसके बाद फल का यूज करिए। फल खाने से शुगर की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती है, लेकिन 30-40 मिनट 1 घंटे जाते जाते फिर शुगर का लेवल एकदम लेवल पे हो जाता है। तो दोस्तों, आप बैर का यूज जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड मात्र 4.4 है, तो बैर का यूज आप डायबिटीज में कर सकते हैं।